So hello guys, welcome back to another video. Today we won't be studying anything, but today I'll be showing you how to prepare for practical subjects during your study hours. Abhi practical subjects hai na, apne paas kaun se FM hai, costing hai, accounts hai, advanced accounts hai, aur tax partly theory aur partly practical hai. So ye sab kaise prepare karna hai na, main aapko 3 steps mein bataunga. Aapko hai na एक प्रोफोमा बुक बनानी है, प्रोफोमा या फिर फॉर्मूला बुक या फिर चार्ट बुक बोल सकते हो. फिर उसके बाद आपको बनानी है एक बुक ऑफ डिफिकल्टीज और एक बनानी है बुक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, आपको 3 बुक लगेगी. और एक बात मैं ये बोल देता हूँ, ये वीडियो किस किस को एप्लीकेबल है, जो भी नवंबर में एग्जाम्स देने वाले, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, जिनके पास मई एग्जाम के लिए कम टाइम बचा उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करना है उनके लिए, और CA फाउंडेशन वाले भी ये चीज़ मैथ्स के लिए और अकाउंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 लोग को एप्लीकेबल हुए. ठीक है, अभी चालू करते हैं. नाउ आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा रहेगा, व्हाट इज प्रोफोमा बुक और फॉर्मूला बुक और चार्ट बुक, क्या है ये चीज़. तो अभी मैं सबसे पहले बताता हूँ क्या है प्रोफोमा बुक. अभी समझो, कॉस्टिंग और FM है. तो कॉस्टिंग और FM में ना प्रोफोमा बुक में क्या लिखोगे, जितने भी फॉर्मूलाज है वो लिख दिए, एडवांस अकाउंट्स है, अकाउंट्स है, और कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हुआ, वो सब की जर्नल एंट्रीज लिखोगे. फिर प्रोफोमा टेबल हुआ, प्रोफोमा टेबल मतलब क्या, लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन में लिक्विडेटर स्टेटमेंट में क्या क्या आता है. फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या आता है वो सब लिखोगे. चैप्टर इंट्रोडक्शन है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में क्या हुआ, अभी रिस्क एनालिसिस है, उसके सम्स को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स है. सेम वे में एडवांस अकाउंट्स में अगर आप बुक्स क्लोज कर रहे हो ओल्ड कंपनी का, तो उसके भी 7 स्टेप्स हैं. और फिर न्यू कंपनी के बुक्स ओपन कर रहे हो तो उसके लिए भी स्टेप्स हैं. मर्जर और अमालगमेशन वाले स्टेप्स वो लिखोगे परफॉर्मा और चार्ट बुक में. फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अभी समझो ये तो हो गया. अभी है ना, आज सपोज आपके क्लासेस में चालू है, क्लासेस में या फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर ना एक पर्टिकुलर चैप्टर, हम लोग अकाउंट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अकाउंट्स का पर्टिकुलर चैप्टर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चालू है. एडवांस अकाउंट्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चालू है, तो आज सर ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 5 सम कराए. तो आपको कुछ नहीं करना, घर आके सॉल्व नहीं करना, भाई 9 घंटे की क्लास है, उसके बाद घर पे आके क्या ही सॉल्व करोगे तुम लोग. तो आपको वो 5 सम्स को रेफर करना है, आपको वो 5 सम्स को रेफर करना है खुद से. और जब आप खुद से रेफर करोगे तभी आपको कोई ना कोई तो डिफिकल्टी आएगी. तो आपको वो पर्टिकुलर डिफिकल्टी का जो एडजस्टमेंट है, वो जो क्वेश्चन है वो लिखना है. और फिर वो डिफिकल्टी जो आई है ना, वो जो डिफिकल्टी आई है, आपको उसको एकदम सूटेबल लैंग्वेज जो आपको समझे सिंपल लैंग्वेज में लिखना है. क्योंकि जितना लिखोगे ना आपको वो चीज़ याद भी रहेगी, और फिर वो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तभी यूज़ में भी आएगी. सो व्हाट इज़ द बुक ऑफ डिफिकल्टी. सपोज इन अकाउंट यू फाइंड अ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट विच इज डिफिकल्ट, देन राइट द एडजस्टमेंट नंबर एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इन सूटेबल लैंग्वेज सिमिलर फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू. सेम वे में आप टैक्स के लिए भी कर सकते हो. टैक्स में कोई पर्टिकुलर चीज़, अभी समझो डिडक्शंस है टैक्स में, तो आपको वो डिडक्शन है ना फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हुआ, तो आप वो डिडक्शन लिख दोगे कि आपको वो फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हुआ था ये चैप्टर में. ठीक है, ऐसे आप बुक ऑफ डिफिकल्टीज बनाओगे. फिर थर्ड स्टेप करने के लिए ना, थर्ड स्टेप क्या है, बुक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ना FM और कॉस्टिंग में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, वहाँ से आपको करना है. अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स है, और टैक्स है, ये बहुत सब्जेक्टिव है. तो ये क्या करोगे पता है, आपको जो सम्स डिफिकल्ट लगते, जिसकी आपने डिफिकल्टीज ज़्यादा लिखी है ना आपके बुक में, सेकेंड स्टेप में जो सम की डिफिकल्टी ज़्यादा लिखी और आपको लगता है कि ये सम सॉल्व करना चाहिए, वो सम को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सॉल्व करोगे. तो अभी सॉल्व कैसे करना है, ऐसे नहीं कि देख के सॉल्व करना है, आपको एज अ टेस्ट सॉल्व करना है. तो टेस्ट के पहले क्या करोगे, आप लोग है ना सबसे पहले सब प्रोफोमा देख लोगे. अभी समझो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आप खुद का टेस्ट दे रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आप क्या करोगे प्रोफोमा एंट्रीज जो है वो रिवाइज करोगे. फिर बुक ऑफ डिफिकल्टीज देखोगे, बुक ऑफ डिफिकल्टीज में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कौन से एडजस्टमेंट डिफिकल्ट थे, क्या क्या चीज़ डिफिकल्ट थी, वो देखोगे, वो लिख लिया, वो देख लिया. फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद के हिसाब से एक टेस्ट देना है बुक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. ये संडे टू संडे भी करोगे और करते रहोगे ना, तो बाय द टाइम आपका जब है ना सेल्फ स्टडी पीरियड आएगा ना, तभी आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक बुक रहेगी जिसमें सारी प्रोफोमा एंट्रीज है, सारे फॉर्मूलाज है, सारे चार्ट्स है. फिर एक बुक रहेगी बुक ऑफ मिस्टेक्स या फिर बुक ऑफ डिफिकल्टीज बोल सकते हो, जिसमें सारे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स नोट किए हुए. और फिर एक बुक रहेगी जिसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लिस्ट डाउन किए हुए विद सॉल्यूशन. तो फिर आपको कुछ नहीं करना, स्टडी पीरियड में जब स्टडी लीव आएगा ना, तब तक आपका एक बार खुद से पढ़ के हो गया रहेगा ये सब चीज़. ये 5 जो सब्जेक्ट बोल रहा ना, FM, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और टैक्स, ये 5 चीज़ें ना आपकी पढ़ के हो गई रहेगी वो टाइम तक. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको है ना सब सब्जेक्ट को बाद में 3-3, 4-4 दिन, 2-2, 3-3, 4-4 दिन डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड देना है और रिवाइज करना है. फिर रिवाइज हो गया, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप जब थियरी सब्जेक्ट्स कर रहे रहोगे ना, आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ना सी थ्रू करना है, बस दैट्स इट. I am telling you, this is the best strategy you all can adopt for practical subjects. Why? Because देखो क्लासेस में पढ़ा,
उसी दिन घर आके बुक ऑफ डिफिकल्टीज और प्रोफोमा बनाया, तभी एक बार रिविजन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया तभी दूसरी बार रिविजन हो गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप जब बुक ऑफ डिफिकल्टीज रिवाइज करोगे तब थर्ड रिविजन आएगा, तो आपके तीन रिविजन तो ऐसे ही हो जाएंगे समझे। और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी पीरियड आएगा, तभी आप खुद से करोगे। और ये मिस्टेक मैंने की है क्योंकि मेरे पास ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह पे थे, सब एफएम और खाली कॉस्टिंग के थे, एडवांस अकाउंट्स अकाउंट्स टैक्स के नहीं थे। फिर बुक ऑफ डिफ़िकल्टीज़ भी कैसा था पता है, मैंने चीज़ें मार्क करके रखी थी बुक्स में, क्लासेस की जो बुक्स रहती है उसमें मार्क करके रखी थी, तो वो बहुत मिसमैच था एंड बहुत हॉच पॉच हो रहा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये करके रखना, ये बहुत हेल्प करेगा। और खुद से लिखा हुआ रहेगा ना ये सब चीज़ तो बहुत जल्दी क्लिक होते रहेगा, और इससे आप मल्टीपल रिविजन्स दे सकोगे बहुत कम टाइम में। इमेजिन करो बुक ऑफ डिफ़िकल्टीज रीड करने को कितना टाइम जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पे आप हज़ार हज़ार सम करोगे सबका मिला के, उधर आपको सिर्फ 200 सम करने, कितना क्विक रिविजन होएगा, तो ये ध्यान में रखा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो, जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के ग्रे कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको ऑडिट या फिर EIS के नोट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, गूगल ड्राइव के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।